हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दसन अकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के टॉपिक को। ब्लीचिंग पाउडर क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके रिएक्शंस कौन से हैं, इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आता है। तो हम दो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने हैं। एक हमारे पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्चुअल नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका फार्मूला है CaOCl2। तो ये हमारे पास जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है। यहाँ पर कैल्शियम के साथ ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर क्लोराइड मिल जाता है तो ये हाइपोक्लोराइड बन जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है। और जो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो है एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है ये जो है कलर को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ये क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है, और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, जिसमें बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम को मारने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह से ये सफाई के जो है कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर हम जो है वो ब्लीच करते हैं कपड़ों का कलर जो है वो चेंज करते हैं, या सफाई के लिए जो दाग वगैरह लग जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, साथ में जरासीम को मारने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह जो भी जरासीम हैं उनको मारने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। अब आते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये कैसे बनाया जाता है। तो प्रिपेयर्ड बाय हेजन क्लेवर प्रोसेस। हेजन क्लेवर जो है एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इस पूरे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को हमें डिस्कस नहीं करना, हम जो है वो इसको सिर्फ इसका मैकेनिज्म समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट का नाम है हेजन क्लेवर प्लांट। तो ये हेजन क्लेवर प्रोसेस का एक प्लांट है, तो इसको हेजन क्लेवर प्लांट कहते हैं। बुक के अंदर भी आपको इसकी पिक्चर मिल जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ से सिलेक्ट लाइम को इंटर किया जाता है। सिलेक्ट लाइम क्या है, ड्राई सिलेक्ट लाइम इज फीड, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने जब कैल्शियम का हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्शन करवाया था तब जाके हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, और इसका फार्मूला है CaOH2। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, इसे हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। ये सिलेक्ट लाइम जो है ये ड्राई सूरत में, सूखी हुई सूरत में ये डाला जाता है, इसके ऊपर अपर वाले एंड से यहाँ से ये फीड किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद ये सर्कुलेट करने लगता है, मूव करने लगता है इस तरह से, यहाँ से ये इधर आता है, यहाँ से नीचे जाता है, नीचे वाले इस कंटेनर के अंदर, उसके बाद यहाँ से मूव करता हुआ नीचे जाता है, और ऐसे ये मूव करता हुआ चला जाता है। आगे क्या होता है, तो ये अपर सिलेंडर से इसको इंटर किया जाता है। इट इज़ मूव डाउन बाय रिवॉल्विंग ब्लेड्स। इन ब्लेड को रिवॉल्व किया जाता है, इनको घुमाया जाता है, तभी जाके ये नीचे जाता है। वैसे डायरेक्टली नहीं जाता, इनको जो है वो घुमाया जाता है, तब जाके ये नीचे की तरफ मूव करता है। क्लोरीन गैस इज सप्लाइड फ्राम द लोअर सिलेंडर, रेजेज अप एंड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से नीचे से क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस को इंटर किया जाता है। यहाँ पे क्लोरीन गैस हम यहाँ से इंटर कर रहे हैं, क्लोरीन गैस यहाँ से अंदर जाती है, और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाती है, क्योंकि गैस है ये तो ऊपर ही जाएगी, तो यहाँ से ये गैस ऊपर चली जाती है, और ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट लाइम आता रहता है, और बीच में इनका जो है वो एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के अंदर जो है क्या होता है, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को देख लें, ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर से आ रहा है, नीचे से क्लोरीन गैस जा रही है, इन दोनों का बीच में आपस में रिएक्शन होगा, और इनका रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, और पास में साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक वाटर बनेगा और एक हमारे पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इस तरह से ये आपको एक सिंपल सा रिएक्शन याद रखना है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तब जाके हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बन रहे हैं। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जिसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। बाकी इसका पूरा जो अंदर का मैकेनिज्म है, ये कैसे होता है, वो हमें ज़्यादा इसके अंदर डिटेल के अंदर नहीं जाना। आगे आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे।
सबसे पहले इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इसके अंदर कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दिखने में किस तरह का है। तो ये डर्टी होता है, मतलब मिट्टी वाला ऐसे वाइट कलर का, और मिट्टी वाला होता है मतलब ये एक तरह का येलोइश कलर इसका हो जाता है, येलो कलर का ये बन जाता है, क्योंकि मिट्टी जब लग जाती है किसी वाइट सब्सटेंस को तो वो थोड़ा सा येलोइश अपीयर होने लगता है। तो इसकी डर्टी और वाइट अपीयरेंस होती है, दिखने में ये डर्टी होता है, वाइट कलर का होता है, और ये जो है वो डिस्टिंक्ट क्लोरीन की तरह इसकी ऑर्डर होती है। ऑर्डर को हम मतलब स्मेल जो है हमें सूंघने में ये क्लोरीन गैस की तरह लगता है, तो इसकी स्मेल जो है वो क्लोरीन गैस के जैसी ही होती है। क्लोरीन क्या है, एक ग्रीन कलर की गैस है जो कि हम यहाँ से इंटर कर रहे हैं, तो उसके सेम ही ऐसी स्मेल इसके अंदर भी होती है। ये सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर हम जैसे ही डालते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक तरह का पाउडर है, तो पाउडर जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, तो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व भी हो जाता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, किस तरह के कंपाउंड से ये रिएक्ट करता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन विद वाटर देखते हैं, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है और वाटर के साथ ये कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इट डिज़ोल्व्स इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के अंदर हाईली सॉल्यूबल है, जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, इसका वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास पहले ही यूज़ हुआ था जब हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया था, तो यही कंपाउंड हमारे पास यूज़ हो रहा था, तो अभी यही कंपाउंड हमारे पास वापसी आ गया है और साथ में क्लोरीन गैस भी इसमें रिलीज़ हो रही है। तो क्लोरीन गैस हमें मिल रही है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं। एक और रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विद एसिड। ये एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर हमारे पास है कैल्शियम, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है जिससे हमने HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास इसका जो क्लोरीन होगा ये इसी के कैल्शियम के साथ मिल जाएगा और यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, हमारे पास वाटर बन जाएगा और साथ में ये क्लोरीन गैस जो है ये भी रिलीज़ हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर बैलेंस करें तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और ये हमारे पास यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई और इस तरह से इसका रिएक्शन यहाँ पर हो गया और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन गया है, ये एक साल्ट है और साथ में हमारे पास वाटर और क्लोरीन बन रहे हैं। आगे आते हैं इसके यूजेस पर। ये जो इक्वेशंस हैं ये सिर्फ याद करने के लिए, तो आप इनको सिंपल से 2 इक्वेशंस को याद कर लें, इनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप जो है वो अपने आप से सॉल्व भी नहीं कर सकते, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो इन्हें सिर्फ आपको याद करना होगा। आगे चलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी भी इक्वेशन होती हैं जिनको आपने सिर्फ सॉल्व करना होता है तो वो सिंपल होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पर याद करनी होगी। यूजेस पे आते हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं, किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर सरफेसेस एंड मेटल्स। तो इसके अंदर कुछ सब्सटेंस की हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, ये एक क्लीनिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया और जो जरासीम होते हैं उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो इस तरह से ये क्लीन हो जाता है हमारे पास और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पर हम पानी की स्टेरिलाइजेशन करते हैं, वाटर को पानी को फ़िल्टर करते हैं, साफ़ करते हैं, कुछ सरफेसेस की सफाई के लिए, मतलब कुछ सब्सटेंस हमारे पास हैं, कुछ मेटल्स हैं, उनकी सफाई के लिए हम यूज़ करते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर को। तो ये एक्चुअली क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लेनिन एंड वूल एंड पेपर्स, तो ये कुछ सब्सटेंसेज हैं जैसे कि कॉटन है। कॉटन एक्चुअली किस कलर का होता है, हमारे पास वाइट कलर का होता है, लेकिन इसको ज़्यादा जो है वो ब्लीच करके इसको डिफरेंट कलर दिए जाते हैं, ब्लैक ब्लू आप कोई भी कलर दे सकते हैं ब्लीचिंग के ज़रिए। तो इनको जो है ब्लीच करके इनके ओरिजिनल कलर को रिमूव करके हम और कोई कलर दे सकते हैं। पेपर और दूसरे कपड़ों के जो भी यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंस हैं इन सभी को हम ब्लीच कर सकते हैं, तो ये इसके लिए भी यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरोफॉर्म, इसको हम यूज़ करते हैं
क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन के लिए, क्लोरीन गैस को बनाने के लिए और क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए। ये जो क्लोरोफॉर्म है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यूज़ होता है और दूसरे भी बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर ये यूज़ होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं। आगे चलते हैं इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एंड कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एक अलग टॉपिक है जो टेबल आपके बुक में बना हुआ है, उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स से आते हैं और उनके क्या यूजेज़ हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास सोडियम। सोडियम का क्या यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर? ये सोडियम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि बॉडी फ्लूड बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। तो ये बॉडी के फ्लूड को बैलेंस करता है। फ्लूड को बैलेंस किस तरह से करता है? जहाँ पर सोडियम होगा वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इस तरह से जो वाटर की मूवमेंट होगी वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगी। तो ये आप पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि कैसे सोडियम जो है ये फ्लूड को बैलेंस करवाता है। तो इस तरह से फ्लूड बैलेंस होता है सोडियम की वजह से और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी होती है सोडियम की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मूव करने लगते हैं। उसके बाद हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है और इस ये जो है बॉडी के अंदर पीएच की लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो है वो सेल के अंदर पहले मौजूद होता है, अगर सेल के बाहर का जो फ्लूड है उसके अंदर पीएच अगर चेंज हो रही है तो ये क्या करता है, पोटेशियम सेल से बाहर चला जाता है और वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है ताकि पीएच को मेंटेन कर सके। कैल्शियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो कि हमारी बोन्स के अंदर, तो कैल्शियम हड्डियों के अंदर जमा होता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है और टीथ के अंदर भी यही कैल्शियम की डिपोजिशन होती है। कॉमन साल्ट की बात करें, NaCl जो हम कॉमन में यूज़ करते हैं इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सोडा ऐश के अंदर काम आता है। सोडा ऐश क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमारे सोप वगैरह के अंदर यूज़ होता है और ये कास्टिक सोडा भी यही सेम एक कंपाउंड है। ये दोनों सेम तो नहीं है लेकिन मिलते जुलते कंपाउंड हैं। तो यहाँ पर ये सोडा ऐश जो है ये सोडियम कार्बोनेट होता है और कास्टिक सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये आपस में इन दोनों की सिंथेसिस के लिए हम कॉमन साल्ट को यूज़ करते हैं। जब हमने सिंथेसिस पढ़ी थी, जब जो है वो हमने पिछली वीडियोस में जो हमने पढ़ा था कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन, उसके अंदर हमने NaCl का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था। तो इस तरह से कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन के अंदर NaOH इसका जो फार्मूला है NaOH इसकी प्रोडक्शन के लिए भी हमारे पास यूज़ हो रहा है NaCl एंड क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या है? ये वाशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला एक कंपाउंड है। इसके अंदर जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ये इससे हम यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए, जैसे कि ग्लास की मैन्युफैक्चर, ग्लास को बनाने के लिए जो शीशा है उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सोप साबुन को बनाने के लिए, बोरेक्स ये भी साबुन की तरह एक क्लीनिंग मटेरियल है, इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी इसको वॉशिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये आपको पता है बेकरी में जो है वो फूड को पकाने के लिए, बेक करने के लिए यूज़ होता है, जिससे फूड जो है वो फूलता है और डबल रोटी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये बेकिंग होती है यहाँ से। इसका फार्मूला क्या है, NaHCO3। ये जो है वो फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और इसको यूज़ किया जाता है फूड आइटम्स के लिए। तो ये जो भी कंपाउंड्स ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स से बने हुए कंपाउंड्स हैं और इनके काम हम जो है वो इनके यूजेज क्या हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट लास्ट हमारा है, पोटेशियम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्टिलाइज़र्स के अंदर, जो हम खाद यूज़ करते हैं हमारे खेतों में वहाँ पर ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, और फायरवर्क्स में भी ये यूज़ होता है। फायरवर्क्स क्या है, पटाखे जो आप बनाते हैं, मतलब जहाँ पर जो एक्सप्लोजन देखने को मिले उन्हें हम फायरवर्क्स कहते हैं, उनके अंदर ये यूज़ होता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट से आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो यूजेज के लिए हमारे यूज़ के अंदर आते हैं डेली यूज़ के अंदर। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।